जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं पुरानी, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आप कैसे पता करें कि गाड़ी का इंजन सही है कि खराब है, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि गाड़ी को बाहर से आप चेक कर सकते हैं कि कहीं से एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं से डेंट तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, वो सब आप बाहर से देख सकते हैं। लेकिन जब बात इंजन की आती है, तो मैकेनिक ही, एक्सपर्ट मैकेनिक ही बता सकता है कि क्या इंजन की हालत क्या है। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट शेयर आपके साथ करने वाला हूँ कि अगर आप वो 5 पॉइंट चेक कर लेंगे, तो आप खुद से अपने आप से जान पाएंगे कि आपकी गाड़ी के इंजन की हालत क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है कि मान लीजिए कि आप गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं किसी विक्रेता के पास, और आपने उसको 9 बजे का टाइम दिया है। तो कभी भी आप 9 या 9:10 पे ना जाए, आप उसको 9 बजे का टाइम देके 8 या 8:30 बजे ही पहुँच जाए। क्योंकि होता ये है कि गाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पुरानी गाड़ियों में होती है, वो होती है कोल्ड स्टार्ट की। कोल्ड स्टार्ट मतलब दिन का जो पहला स्टार्ट होता है, उसी में बहुत सारी समस्याएं पकड़ में आती है। पहले स्टार्ट अगर आपके जाने से पहले मालिक ने दे दिया, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पकड़ में नहीं आएगी। और पुरानी डीजल गाड़ियों के बारे में तो ये कहावत है कि अगर गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम स्टार्टिंग की होती है, और वो भी कोल्ड की। तो ये आप ध्यान रखें पूरा। कई मालिक ऐसा करते हैं कि ओनर ऐसा करते हैं कि उनको पता है कि 9 बजे आ रहा है, 8 बजे या 8:30 बजे आपकी गाड़ी को 5 मिनट या 10 मिनट स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मैकेनिक से स्टार्ट करा लेते हैं, दूसरी बार गाड़ी स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। तो आपको पहले जाना है, जो टाइम आप देते हैं उससे पहले जाना है, और कोशिश ये करनी है कि दिन का जो पहला स्टार्ट है वो आपको खुद ही करना है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, तो आप पहले गाड़ी का बोनट उठा ले। बोनट उठा के एक आदमी जैसे स्टार्ट करता है, तो दूसरा आदमी आपके बोनट के साइड में इंजन की तरफ देखे कि इंजन में कहीं से कोई धुआं या तेल तो नहीं फेंक रही है गाड़ी। अगर ऐसा है तो उसमें गंभीर समस्या हो सकती है। ये आपको दूसरा पॉइंट चेक करना है। तीसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है, मैं आपको गाड़ी पर ही दिखा देता हूँ। तो अगली जो चीज़ आपको चेक करनी है, वो करनी है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट करने पे कितना धुआं दे रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आपकी स्टार्ट है, और ये इसका साइलेंसर है, और आप धुआं देखिए। आपको विश्वास ना हो तो इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी स्टार्ट है। ये देखिए, ये भागेगा भी। तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट है, ये देखिए गाड़ी आपकी ये स्टार्ट है, और आप धुआं देखिए इस गाड़ी में। बिल्कुल भी गाड़ी धुआं नहीं दे रही है, और आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी है। ये आप रेस दे के दिखाओ एक बार, ये देखो धुआं देखो, बिल्कुल भी बस बिल्कुल भी धुआं नहीं दे रही। आप धुआं देखिए गाड़ी का, बिल्कुल एक बार और रेस दे के दिखाओ भाई। बस ये देखिए, बिल्कुल भी धुआं बिल्कुल भी नहीं है इसमें, काला धुआं। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में इसका इंजन है। तो यही सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर धुआं दे रही है आपकी गाड़ी रेस देने पर, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आपको चेक करना है, उधर से आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है। अपनी गाड़ी स्टार्ट रखे रखे आपको देखना है कि आपकी डीजल गाड़ियों में ऐसे आपको ब्लो मिल जाएगी, इसको हम ब्लो कहते हैं, ऐसे पाइप एक बाहर मिलेगा। तो इस पाइप से देखना है आपको कि कहीं तेल तो नहीं आ रहा है, या फिर धुआं तो नहीं आ रहा है। तो अगर तेल आ रहा है तो फिर इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। धुआं बहुत कम मात्रा में आ सकता है, कितना आना चाहिए उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि ब्लो से कितना धुआं आना चाहिए और उसको कैसे चेक करें। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो ब्लो से आपको धुआं भी नहीं आना चाहिए ज़्यादा, और बहुत बारीक सांस ले सकता है, लेकिन काला काला आपको बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और आपका ऑयल के छींटे नहीं आने चाहिए। तीसरी बात जो आपको चेक करनी है, वो करनी है आपकी डिप। आप देखिए इंजन ऑयल की जो आपकी डिप है कहाँ पे है, वो डिप को आप चलते हुए इंजन में थोड़ा सा ऊपर उठाइए, और देखिए कि जहाँ पे डिप आपकी लगी है वहाँ से कोई धुआं या फिर कोई ऑयल के छींटे, ऑयल जो तेल है तेल के छींटे तो नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ भी आपको चलते हुए इंजन में दोनों चीज़ चेक करनी है, ब्लो भी और डिप भी, कि दोनों जगह से आपके कहीं धुआं नहीं आ रहा है या फिर कोई ऑयल तेल के कण नहीं फेंक रहा है। इतना सब कुछ आपको चलती हुई गाड़ी में चेक करना है।
अगर आपकी गाड़ी में धुआं आ रहा है ब्लो से या डिप से, डिप वाले होल से या ऑयल के कारण आ रहे हैं, तो फिर आपके इंजन को पूरा खोलना पड़ेगा। इंजन में गंभीर समस्या है, आपके काफ़ी पैसा लगने वाला है। ऐसे इंजन को ख़रीदने से आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे इंजन को नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर ख़रीदोगे तो उसकी ओवरऑलिंग करानी पड़ेगी, पूरा एक एक पुर्जा खुलेगा, उसमें आपका खर्चा आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए, दूसरा जो पॉइंट आपको चेक करना है वो आपको देखना है, आप इंजन को बंद कर दीजिए। इंजन को बंद करने के बाद आपको आना है एग्जॉस्ट के पास में, जहाँ से कि धुआं निकलता है, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको हाथ लगा के ऐसे देखना है। ये देखिए, ये काला सा अगर आपको मोटी पपड़ी यहाँ पे दिखाई देती है और गीली पपड़ी दिखाई देती है, गीली पपड़ी अगर आपको दिखाई देती है, इसका मतलब है आपकी गाड़ी इंजन उठा रही है और वो तेल फेंक रही है, तो उसमें आपको काम कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसे काला ही है, मोटी पपड़ी नहीं है, पपड़ी नहीं जमी है, गीली नहीं है और सूखा धुआं है, सूखा धुआं हो सकता है, सूखे धुएं से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि धुआं तो जमे गई, लेकिन मोटी पपड़ी अगर जमी है और वो गीला है तो उससे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आपके इंजन में है। इसका मतलब ये है कि आपको इंजन में फिर काम करवाने की आपको आवश्यकता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा सहन करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था जो आपको चेक करना है। इसी के साथ साथ आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी का चेसी, गाड़ी का जो चेसिस है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं से कोई अलग से ऐसे पत्ती रख के वेल्ड तो नहीं कराया है कि टूटा हुआ है और फिर से आपका चेसिस वेल्ड करा दिया है। ये चीज़ आपको बिल्कुल माइन्यूटली देख ली है, ध्यान से देखनी है। अगर ऐसा है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि चेसिस में ज़्यादा वेल्ड कराने पर ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहता है, ज़्यादा वेट आने पर वो टूट जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको कुछ जनरल चीज़ें चेक करनी होती है, जैसे कि गाड़ी की बैटरी। गाड़ी की बैटरी कई बार ऐसा करते हैं कि जो ओनर होता है, मालिक होता है बेचने वाला, वो रात को बैटरी को चार्ज में लगा देता है, जिससे कि सुबह एक दो सेल्फ दे देती है, लेकिन जब आप गाड़ी खरीद के ले आएंगे तो दो तीन दिन बाद ही आपको देखेगा कि गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है। तो उन सब चीज़ों को आपको बारीकी से चेक करना है कि कहीं वो बैटरी रात भर चार्ज करके और सुबह गाड़ी स्टार्ट तो नहीं की। अगर ऐसा है तो फिर वो बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली चीज़ आपको चेक करनी है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करते समय आपको देख रही है कि देखना है, खास करके कोल्ड स्टार्ट में, जब आप दिन का पहला स्टार्ट देते हैं, कि गाड़ी पहले में स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है पुरानी गाड़ियों में कि पहले में स्टार्ट नहीं होती है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे में अगर सब कुछ सही है तो गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एक दो में स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सारे फॉल्स स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब है कि या तो सेल्फ में प्रॉब्लम हो सकती है या गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। दो बार तक तो ठीक है, लेकिन दो बार में अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके। उस चीज़ को भी आपको बारीकी से देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, जिसमें कि पुरानी गाड़ी को लेके हमने बात की, वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।